तो थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर होगी, लेकिन सवाल हर किसी के जहन में कि अखिलेश यादव के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, चुनाव पर यानी कि पूरी निगाह टिकी हुई है, लेकिन उसका क्या जब स्वाति मालीवाल के साथ इस तरह से बदसलूकी हुई है, क्योंकि स्वाति मालीवाल की मां खुद कह रही है अजय कि मेरी बेटी दबाव में है, एक तरफ स्वाति मालीवाल दबाव में तो दूसरी तरफ केजरीवाल चुनाव में, क्या कहा जाए इसको? अजय क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो शायद अजय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी खामी की वजह से, लेकिन वो तस्वीरें आप देखिए जरा, यहां सीएम अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, अखिलेश यादव और विभव कुमार भी साथ में मौजूद रहे। गाड़ी में जब वो बैठे थे तीनों, सवाल किया गया, पत्रकार लगातार सवाल पूछते रहे स्वाति मालीवाल को लेकर, विभव कुमार से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन केजरीवाल ने कोई जवाब नहीं दिया और बढ़ते चले गए आगे। और अब फिलहाल पहुंच चुके हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो जाएगी जाहिर तौर पर, उनके पास समय कम है, बेल पर बाहर आए हुए हैं और 2 जनवरी को जब उन्हें सरेंडर भी करना है, तो सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। क्या इस समय सिर्फ चुनाव पर फोकस रखना चाहते, भले ही सीएम हाउस के अंदर कुछ भी मसला हुआ हो, कोई भी बातचीत हुई हो, उसे पूरी तरीके से दबाने की इन दिनों कोशिश, या फिर वाकई में थोड़ी देर बाद कुछ बात करने वाले हैं सीएम केजरीवाल? ये तमाम सवाल हैं हर किसी के जहन में, क्योंकि क्योंकि एक्शन लेने की बात तो कही गई थी सीएम केजरीवाल की ओर से, लेकिन एक्शन अभी तक दिख नहीं रहा है शिखा, क्योंकि साथ में लेकर के घूम रहे हैं विभव कुमार को। बिल्कुल, और ये सवाल जो है वो हर किसी के जहन में है कि आखिर इंडी नेताओं ने चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी है। ये देखिए, ये वो सवाल है जो हर किसी के जहन में कौन रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बचते हुए नजर आ रहे हैं, स्वाति मालीवाल जो एक महिला है जिनके साथ बदसलूकी हुई, उस पर सवाल, उस सवाल का जवाब अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं देना चाहते, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया गया था कि एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या ऐसी वजह रही कि स्वाति मालीवाल थाने पहुंची और वहां से वापस लौट आई, फिर वो सामने ही नहीं आई, लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, जैसे इस चीज की कोई फिक्र ही नहीं है, उनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने फोकस सिर्फ चुनाव को बना रखा है, उनको महिलाओं की कोई फिक्र नहीं है। सीएम हाउस से कॉल किया जाता है पीसीआर को, लेकिन ये देखिए किस तरीके से यहां पर अखिलेश यादव से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जवाब स्वाति मालीवाल पर कोई भी अरविंद केजरीवाल नहीं देना चाहते हैं। तो ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं, अब जब इंडी गठबंधन के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब देखना होगा क्या कहेंगे, लेकिन कई सवाल इस समय कि आखिर स्वाति मालीवाल शिकायत दर्ज कराए बिना वापस कैसे लौट आए, पुलिस लिखित शिकायत दर्ज करने का इंतजार अभी भी कर रही है। मां कह रही है स्वाति मालीवाल की कि मेरी बेटी बहुत प्रेशर में है, दबाव में है, तो सवाल यह भी है कि आखिर किसका दबाव और किसका प्रेशर है अंजलि? बिल्कुल, और साथ ही साथ सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, यहाँ सवाल ये भी उठ रहा है कि इंडी गठबंधन के तमाम नेता हैं, खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव हैं यहाँ पर, जब उनसे भी सवाल किया जाता है तो उन्होंने कहा कि ये तभी जानकारी हो पाएगी जब उनसे बातचीत होगी, लेकिन अभी तक कोई कुछ भी नहीं बोला है। इंडी गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता हैं और खुद प्रियंका गांधी भी हैं जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देती हैं, लेकिन कोई भी अभी तक टिप्पणी इस पूरे मामले को लेकर के नहीं की गई है, ना ही कोई बयान आया है, सिर्फ और सिर्फ संजय सिंह की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। तो क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता थी, सवाल यही उठ रहा है। और बड़ी खबर आपको बता दें, विभव मामले पर केजरीवाल चुप क्यों है, मीडिया के सवालों का जवाब उन्होंने कोई नहीं दिया, मीडिया उनसे सवाल पूछना चाहता था, उनके सामने खड़ा रहा, और ये तस्वीर वही है, देखिए लगातार मीडिया उनसे पूछने की कोशिश कर रहा है, पत्रकारों के सवालों से, पत्रकारों का सामना करने से अरविंद केजरीवाल यहां पर बचते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वजह है, क्यों सवालों का जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं देना चाहते हैं? देखिए, शीशा तक नीचे नहीं किया, शीशा तक डाउन नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा और सीधे अपनी गाड़ी को वहां से भगाकर ले गए। भैया भैया अरविंद जी, अरविंद जी क्या कहेंगे? अरविंद जी विभव को लेके, सर विभव को लेके कुछ बोलेंगे? अरविंद जी आराम आराम सर, सर 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 एक सर एक सर 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 एक सवाल पूछा गया कि क्या विभव को लेकर सीएम कुछ बोलेंगे, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोले और आगे बढ़ जाते हैं।
अरविंद जी क्या कहेंगे कुछ बोलेंगे अरविंद जी और इसी बीच आपको बता दें कि दो दिन पहले संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाति से मारपीट में विभव कुमार का शामिल होना बताया था, साथ ही कार्रवाई की बात भी कही थी। वही बात दावा लगातार किया जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से, और संजय सिंह ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था। और इस बीच वीरेंद्र सचदेवा ने हमला बोला है, उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी का चरित्र झूठा है, आपका चरित्र झूठा है, केजरीवाल संजय सिंह झूठे हैं और आपका असली चेहरा महिला विरोधी है। संजय सिंह ने खुद इस बात को स्वीकारा था, लेकिन उन्होंने कहा है कि धोखा है और मक्कारी है आम आदमी पार्टी का चरित्र। आम आदमी पार्टी का चरित्र झूठ, धोखा और मक्कारी है। चार दिन पहले मुख्यमंत्री आवास के घर स्वाति मलिवाल के साथ जो घटना घटी, उनके साथ अभद्रता की गई, खुद उनके सांसद संजय सिंह ने कैमरे के सामने आकर कहा कि हाँ दुर्घटना हुई है और अरविंद केजरीवाल के पीए विभव ने उनके साथ अभद्रता की है, अरविंद केजरीवाल ने संज्ञान लिया, कड़ी कार्रवाई करेंगे, और अरविंद केजरीवाल ने कार्रवाई कर दी। कल रात को लखनऊ एयरपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और विभव तीनों एक साथ देखे गए। सिर्फ धोखा देना, महिलाओं के सम्मान की झूठी बात करना, महिलाओं के अधिकारों के साथ धोखा करना, ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है। ये दिखाता है कि किस तरह से महिलाओं के अत्याचार के साथ अरविंद केजरीवाल खुद खड़े होते हैं। वह अत्याचारी जिस पे आरोप लगा है कि उसने स्वाति मलिवाल के साथ मारपीट की है, उसे साथ लेके घूम रहे हैं। ये है आम आदमी पार्टी का असली चेहरा। तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को आप सुन रहे थे। अब आपको बता दें, दो दिन पहले संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाति से मारपीट में विभव कुमार का शामिल होना बताया था, साथ ही कार्रवाई की बात कही थी। आइए देखते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मलिवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने